गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे हैं अलंकार। तो अलंकार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब है इसके अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर कुछ अलंकार दे रखे हैं, उनके उदाहरण आपको लिखने, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, लेस, यमक, रूपक और मानवीकरण। तो ये प्रश्न हमने सभी अलंकारों की परिभाषा और उनके एक एक भेद लिख चुके हैं और उनसे अधिक उदाहरण हम लिख चुके हैं, तो ये नहीं करेंगे। सेकंड है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है। यहाँ पर देखिए कि कहा गया है कौन सा अलंकार नहीं है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार नहीं है बेटा, इस पंक्ति में रूपक अलंकार नहीं है और बाकी मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास तीनों ही अलंकार इसके अंदर है। आए महंत वसंत, यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं है, अनुप्रास रूपक और मानवीकरण अलंकार इसमें है। सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नाच रहा, तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है, लेकिन श्लेष अलंकार नहीं है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है इस पंक्ति में। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस विकल्प में पूछा गया निम्नलिखित अलंकार नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। यहाँ पर आपको यमक अलंकार दे रखा है, तो आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन से में यमक अलंकार नहीं है। तो कनक कनक ते सौ गुनी मादकता दिखा, यहाँ पर यमक अलंकार क्या होता है बेटा, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए कनक और कनक दो बार आ गए इसमें, दूसरे में तीन बेर और तीन बेर दो बार आ गए, दोनों का अर्थ अलग। यहाँ घटा और घटा दो बार आए और दोनों बार इसका अर्थ, तो तीनों में यमक अलंकार है। किसमें नहीं है, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, इसमें यमक अलंकार नहीं है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमा का भेद आरोप किया जाता है। तो यहाँ पर विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू एक पल, तो यहाँ पर मन और मीन में, विषय और वारी में, शशिमुख पर रूपक अलंकार, अपलग नील नब नील नयन विशाल, तीनों में ही रूपक अलंकार है, लेकिन असंख्य कृति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दहासी इसमें रूपक अलंकार नहीं है। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा किसमें नहीं है, तो जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई, तो जैसे आ रहा है हमने, दूसरे तीसरे में जो आ रहा है और इसमें मनु, तो तीनों ही क्या हो गए आपके उत्प्रेक्षा के, आपको वाचक शब्द मिल गए, लेकिन पहले लो यह लत्ती का भी बढ़ लाई मधु मुकुल नव रस गागर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार यानी कि जहां पर किसी भी चीज की बड़ा चढ़ाकर बहुत अधिक वर्णन किया जाता है लोक सीमा से, तो यहाँ पर आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा जी ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, अतिशोक्ति अलंकार है। वह सर धर उधर गांडी गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, थर्ड से जयदर्द का इधर सिर छिन वैसे हुआ, तो धड़ से छिन वैसे हुआ, तो यहाँ पर भी अतिशोक्ति है। और जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ तो उसके कथन में मौन वाणी नहीं लिया, तो इन तीनों में ही अतिशोक्ति अलंकार है। पहले में अतिशोक्ति अलंकार नहीं है कि मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि व्रज भामिनी। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें बेटा आपको जो 4 और 5 है इसमें उपमेय और उपमान बताने हैं आपको। क्वेश्चन 6 है आपका, पंक्ति के जिस अंश में पूछा गया अलंकार है उसे रेखांकित कीजिए। कि पंक्ति के जिस अंश में पूछा गया अलंकार है कि किस अंश के कारण यहाँ पर जो अलंकार आ रहा है वो आपको बताना है। तो अनुप्रास अलंकार किसके कारण आ रहा है यहाँ पर, ले ले आ आ गे 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 और गे, इसके कारण क्या आ रहा है, अनुप्रास अलंकार आ रहा है। दूसरा है श्लेष, श्लेष में क्या होता है कि जहां पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ हो यानी कि एक अर्थ में और अर्थ चिपके हुए हों, तो यहाँ पर मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, तो ये जो कलियां शब्द हैं इसमें क्या है आपका, श्लेष अलंकार आता है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा मानो माई घन घन अंतर दामनी, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, मानो आ गया, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर
यहाँ पर माई घनघन अंतर्दामिनी, इसको क्या किया गया है, इसमें संभावना उत्पन्न संभावना दिखाई गई है। रूपक अलंकार, शशि मुख पर घूंघट डाले अचल में दीप छिपाए, तो मुख पे शशि का क्या करा गया है, यहाँ पर अभेद आरोप किया गया है। यमक अलंकार है काली घटा का घमंड, घटा घटा और घटा के कारण। नेक्स्ट है, पूछे गए अलंकार में जिस विकल्प में है उसे रेखांकित कीजिए, यहाँ पर अनुप्रास का कौन सा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल छल जल थल में, चय 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 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है, इसमें चरण धर चिंता करत चितवच और सुबरन को ढूंढत फिरे कवि अव्यभिचारी चोर, तो यहाँ पर जो सुबरन शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार का कौन सा उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, तो यहाँ पर जो बच्ची है उसकी उपमा किससे की गई है, फूल से। मानवीकरण है यहाँ पर, बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी। अतिशोक्ति अलंकार है यहाँ पर, हनुमान जी की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। नेक्स्ट है आपका उचित मिलान कीजिए, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इधर आपको पंक्तियाँ दे रखी हैं अलंकार की, इधर आपको नाम दे रखे अलंकार को, तो आपको बताना है किसमें कौन सा अलंकार है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया है, समर्थ हो कथन में मौन वाणी ने लिया, तो यहाँ कौन सा अलंकार है बेटा, अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सभी चली आई, जैसे कि फुलवारी सभी चली आई, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रकृति वधु से असीन वसन बदला, सित पहना तन से दिया उतार, तारक वालिनी का गहना, तो यहाँ पर प्रकृति को क्या वधु माना गया, तो रूपक अलंकार हो गया। इसमें वीति विभावरी जागरी अनभर प्रगट में डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी। मानवीकरण, इसमें भी मानवीकरण भी हो सकता है बेटा। नेक्स्ट, वह मुरली की धुनी कानी पर कुल कानी हियो तजी भाजित है, यहाँ पर कानी और कानी शब्द दो बार आ रहा है, दोनों बार अर्थ अलग है, तो इसमें यमक अलंकार हो गया। नेक्स्ट है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, तो यहाँ पर भी बेटा मानवीकरण और रूपक अलंकार दोनों आ सकते हैं, क्योंकि देखो नैनों पर क्या करा है, आकाश पर नैनों का भेद आरोप किया गया है, और क्या नहीं, उनको आंखों को क्या माना गया, आकाश, और दूसरा मानवीकरण भी। नेक्स्ट है सेवंथ, कहे लगी कहो बनाई विविध विधि, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजारे करे बड़े अंधेरा होए, यहाँ पर इसके अंदर है श्लेष अलंकार। तो ये सभी आपको बुक में फिल करने हैं। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति मैम, योर मैथ्स टीचर। लेट्स स्टार्ट टुडे आवर मैथ्स क्लास, चैप्टर 13, एक्सरसाइज 13.7। एक्सरसाइज 13.7 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, ऑफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। जो कोन है उसकी हाइट हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है और वॉल्यूम 1570। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, पाई हमें यूज़ करनी है 3.14। सॉल्यूशन करेंगे, हाइट ऑफ कोन फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू है 1570। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में 1570। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर हमें फाइंड करना है, हाइट 15 है, इज इक्वल टू 1570। आर लेफ्ट में रखेंगे, 1570 इंटू में 3 अपॉन में 314 इंटू 15। 314 का जो पॉइंट हटाने के लिए 100 का यूज़ करेंगे वो न्यूमिनेटर में, सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 0 इसको करेंगे हम कैंसिल, 5 पर कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया, 25 जा 100, आर इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, रेडियस ऑफ कौन 10 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ. इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. हमें डायमीटर निकालना है एज सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है. ये भी हाइट गिवन है हमें, हाइट ऑफ ए कोन 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. पाई एज इट इज़ पाई है, इसमें पाई की वैल्यू पुट नहीं की हुई है. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है और वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है 48 पाई. पाई से पाई कैंसिल, 1/3 आर स्क्वायर फाइंड करेंगे रेडियस. हाइट 9 इक्वल्स टू में 48, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 r² इज इक्वल टू 48, देन r² इज इक्वल टू 48/3 कैंसिल होगा 16 पर. r² हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया. r इज इक्वल टू में 4, 16 का स्केयर रूट क्या होता है 4. रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई. फिर डायमीटर क्या होता है, हमें डायमीटर फाइंड करना है. डायमीटर 2 टाइम ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल होता है 2. रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर, डायमीटर हमारे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर. तो डायमीटर ऑफ बेस कितना आ गया 8 सेंटीमीटर डायमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप. व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर. हमें जो एक कॉनिकल पिट है उसका टॉप का डायमीटर गिवन है और डीप उसकी गहराई जो है वो 12 मीटर है. इसका मतलब ये हाइट हो जाएगी उस कॉनिकल पिट की. हमें उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है. डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट इज इक्वल टू में 3.5 मीटर. रेडियस आ जाएगी हमारे पास डायमीटर का हाफ 3.5 बाय 2 1.75 मीटर और हाइट हमारे पास 12 मीटर. कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 1.75 इंटू में 1.75, हाइट हमारे पास 12. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, 175/100 पॉइंट हटाने के लिए 100 का यूज, इंटू 175/100 इंटू में 12. ये 525 से 7 जा पे 25 4 जा 25 7 जा 25 4 जा, 7 से 7 कैंसिल, 4 3 जा 12 कैंसिल, 3 3 से 3 भी कैंसिल. हमारे पास आ ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, हमारे पास आ गया 11 इंटू में 7/2, 77/2 आ गया. 77/2 को कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 मीटर क्यूब. हमें इसको किलोलीटर में लिखना है. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलो लीटर. ये हमारे पास आ गया 37.5 लीटर किलो लीटर. ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट इज इक्वल टू में 37.5 किलो लीटर. ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा. थैंक यू.